अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब लोगों के बारे में बताएंगे जिनकी खासियतें उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। फैक्ट नंबर वन, थाई नगाक। हमारी सूची में पहला व्यक्ति थाई नगाक है जो इंडोनेशिया से है। थाई नगाक का कहना है कि वह 43 वर्षों से सोया नहीं है। कुछ डॉक्टरों के अनुसार उसे नींद न आने की बीमारी हो सकती है, लेकिन इतने सालों तक बिना नींद के वह सो नहीं पाता कुछ भी करे। फैक्ट नंबर टू, जॉन टेटर। दूसरा है जॉन टेटर, जिसने 2000 में दावा किया था कि वह एक अमेरिकी सैनिक था जो 2036 में टाइम मशीन के जरिए इस दुनिया में आया था। उसने कहा कि वह एक मिशन पर था और उसने कई अजीब बातें बताई, जैसे कि होंगी दुनिया में परमाणु युद्ध और कई देश हो जाएंगे तबाह, अमेरिका टूट जाएगा 5 हिस्सों में। इसके बाद यह शख्स अचानक गायब हो गया। फैक्ट नंबर 3, एडम रेनर। तीसरे जगह पर एडम रेनर है, जिन्होंने अपना आधा जीवन छोटा और आधा लंबा बिताया। 1917 में वह 18 साल के थे और केवल 4 फीट 6 इंच लंबे थे और इसे बौना आकृति कहा। उन्हें सेना में जाने से मना कर दिया गया था, उनका कद छोटा था, लेकिन फिर एक ट्यूमर के कारण उनकी ऊंचाई बनावटी रूप से बढ़ गई। 1920 के 10 साल से उनकी लंबाई बढ़ने लगी और 1930 के 10 साल तक उनकी ऊंचाई 6 फीट 9 इंच तक बढ़ गई। 1950 में उनकी मौत के समय उनकी लंबाई 7 फीट 8 इंच थी। वह आदमी जिसे कभी बौना कहा जाता था, उस समय दुनिया का सबसे लंबा आदमी था। फैक्ट नंबर 4, नताशा डेमकिना। चौथे स्थान पर नताशा डेमकिना आती है, जो रूस से है। 17 साल की उम्र से उनका दावा है कि उनकी आंखें एक्सरे मशीन की तरह दिखती हैं और वह बिना मशीन के भी मानव शरीर के अंगों को देख सकती हैं। देखें, निराले रूप से उनके अधिकतर दावे सिद्ध पूरे हो चुके हैं। दुनिया भर में द गर्ल विद ए सरे आइज के नाम से मशहूर ये लड़की अब मरीजों की जांच करती है, जिनमें अक्सर डॉक्टर भी शामिल होते हैं। मार्च 2004 में उसे डिस्कवरी चैनल द्वारा एक जांच कराने के लिए बुलाया गया था, जिसे उसने कामयाबी से पास कर लिया। फैक्ट नंबर 5, जेम्स कीटन होस्ट। अमेरिका का पांचवा और आखिरी मूल निवासी सदा यही पे बसने वाले लोग हैं। यह एक अजीब तरह के उतावलेपन के रोगी हैं, जो इसे अपने शरीर पर कुछ भी चिपकाने की इजाजत देता है। ये कोई दावा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो वह पूरी दुनिया को दिखाता रहा है काफी समय से। डॉक्टर अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि उसके शरीर में क्या खराबी है। डॉक्टर के मुताबिक यह शख्स बीमार भी नहीं है और उसकी हालत भी आम लोगों की तरह ही है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फीचर वीडियो के साथ अपडेट रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।